que lo den con nosotros. हाँ, जैसे कि इनका सवाल ये है ना कि हाँ नमस्ते, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं आपके सामने आज लाइव आया हूँ। आपके जो सवाल है वो सवाल के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आपके साथ में मौजूद हूँ। काफी सारे वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे, वह मनोविकार के बारे में, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो है, सेक्स के बारे में है, हिप्नोसिस, सबकॉन्शियस माइंड, अल्कोहल एडिक्शन, ऐसे अलग अलग वीडियोज आपने देखे हुए हैं। तो आपको कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर सवाल पूछिए, मैं आपके जवाब दे दूंगा। पंकज शर्मा ने मास्टर विषय के बारे में पूछा है। पंकज शर्मा मास्टरबेशन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछा है उन्होंने मास्टरबेशन के बारे में? मास्टरबेशन के बारे में ऐसा पूछ रहा है कि ब्याड है हाँ, गुड है या बैड है? मास्टरबेशन जो है मतलब हस्त मैथुन, ये ना बैड है ना गुड है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं, वो मास्टरबेशन है, मतलब हस्त मैथुन है। और जैसी सेक्स की भूख रहती है किसी को, जैसी अनाज की भूख रहती है वैसी सेक्स की भी भूख रहती है। और शादी होने के पहले जब अंदर के हार्मोन्स जब बढ़ते जाते हैं, जब बच्चा पुरुष बन जाता है तो काफ़ी सारी इच्छाएं सेक्स की होती है, उस समय सेक्स करने की इच्छाएं बढ़ जाती है। उस समय वो यदि हस्त मैथुन करता है तो उसको शांत लगेगा, उसकी सेक्स की भूख कम हो जाएगी और एक तरह से मास्टरबेशन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मगर वो अभी बहुत ज़्यादा कर लेता है, मतलब जैसा वो एडिक्ट हो गया है या उसके सिवा कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं है, वो एक ऑब्सेशन या कंपल्शन जैसा हो गया है, तो फिर वो बुरा है। अदरवाइज मास्टरबेशन अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डीप लाल पूछ रहे हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। डीप लाल पूछ रहे हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन इसमें क्या फर्क है, राइट? तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस हमारे दिमाग में जो कोई विचार आते हैं और मैं विचार जो आते हैं या कोई सिचुएशन है या परिस्थिति है उसका सामना मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसा जब मुझे लगता है तो दिमाग में बहुत स्ट्रेस आता है, तनाव आता है कि मैं जो भी परिस्थिति है उसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने चिंता है, मेरे सामने भय है, मेरे सामने जो फ्यूचर है उसमें मैं उसका सामना करूंगा नहीं करूंगा, ऐसा मुझे जब डर लगता है, भय लगता है तो उसका स्ट्रेस आता है। डिप्रेशन जो है वो मेनली अतीत में जो भी कुछ घटनाएं हुई है उसके बारे में डिप्रेशन आता है कि भाई निराशा आती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, मतलब दुखी होना, निराश होना, मन नहीं लगना कोई काम में, सैडनेस है, रोना आना, वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन अक्सर जो है वो अतीत में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में डिप्रेशन होता है, ना कि फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है। खापा जी ने पूछा है कि मन में एक ही सवाल क्यों आता है बार बार। खापा जी ने पूछा है कि मन में बार बार एक ही सवाल क्यों आते रहता है। देखो अपना मन है ना, उसको बंदर की उपमा दी गई है, बंदर
बंदर जैसा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग मारते रहता है, वैसा अपना मन है। मन में कंटिन्यूअसली, मतलब दिमाग में कंटिन्यूअसली दिन भर में 24 घंटे में 50,000 से 60,000 थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। हम अपने आप से बातचीत करते रहते, अलग अलग विचार आते रहते, अमल उसमें कोई गलत नहीं। हमको ये मालूम नहीं है कि हम अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, नहीं अभी मैंने उठना चाहिए, नहीं अभी मैंने सोना चाहिए, अभी मुझे भूख लगी है, मैंने उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा नहीं करना है, उसने मतलब कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली अपने दिमाग में बातें चलती रहती है, है ना। और वो एक आवाज अपने आप से हम जब करते रहते हैं वो 24 आवर्स वो नॉर्मल है और उसका कोई कंट्रोल हो नहीं सकता। जितना आप कंट्रोल करोगे उतनी ज़्यादा ज़्यादा वो आवाज जो है वो ज़्यादा ज़्यादा होती है। कंट्रोल करने के लिए नहीं पड़ना, वो अटेंट हो जाओ, मन में विचार आते हैं उसको प्रेजेंट होके, ऐसे विचार आते रहते हैं और उसको प्रेजेंट होके फिर सामने जो आ रहा है उसके ऊपर काम। सर मेडिकल महाराष्ट्र ने पूछा है क्या स्किजोफ्रेनिया क्योर हो सकता है पूरी तरह से? हाँ, स्किजोफ्रेनिया क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है लोगों को मतलब हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि 33% वो पूरी 33% स्किजोफ्रेनिक जो है वो दवाई के ऊपर ठीक रहते हैं और 34% स्किजोफ्रेनिक जो है वो जब पुराने हैं जिन्होंने दवाई लिया नहीं है उनको बहुत ज़्यादा स्किजोफ्रेनिया है, तो मतलब उसके डिल्यूजन्स बहन बहुत ज़्यादा होता है या फिर हेलुसिनेशन कान का भ्रम होते रहता है, और जितना पुराना पुरानी बीमारी हो उतना उसको क्योर करना कठिन हो जाता है। प्रकाश जी ने पूछा कि एंग्जायटी ठीक हो सकती है क्या? हाँ, प्रकाश जी ने पूछा कि एंग्जायटी ठीक हो सकती है क्या? बिल्कुल ठीक हो सकती है एंग्जायटी। एंग्जायटी क्यों होती है? एंग्जायटी मैंने पहले बोला कि एंग्जायटी कुछ तो भी गलत हो जाएगा, कुछ तो भी चिंता दिमाग में और बुरा हो जाएगा, मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, ऐसा डर है, तो ऐसा डर आती रहती है। ये डर क्या के बारे में? डर है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में कुछ तो भी गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ तो भी मेरे मन के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुछ तो भी मेरे खिलाफ हो जाएगा, उसके वजह से एंग्जायटी होती है। अब वो उसको एक हम प्रेजेंट हो जाएंगे कि नहीं, ये फ्यूचर जो है वो फ्यूचर का जो डर है, फ्यूचर के बारे में जो चिंता है वो नॉर्मल है, कॉमन है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, उसको प्रेजेंट हो जाओगे ठीक है जो है वो है और उसका सामना मैं करूँगा तो उसका कोई डर लगेगा नहीं। देखो ठंड बहुत बाहर है, समझो बहुत ठंड बाहर है, हम ठंड को कुछ कर सकते हैं? हम ठंड को कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहन लेंगे। तो एंग्जाइटी जो है वो वातावरण के जो अलग अलग बदल होते हैं उसमें होती है, हमको पावरफुल उसमें होना है, वो पावरफुल होने की प्रक्रिया हम करते हैं तो एंग्जाइटी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सर जितेंद्र कौर जी का बेटा बहुत गुस्सा करता है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, जितेंद्र कौर जी का बेटा बहुत गुस्सा करता है और उसके बारे में उनको जानकारी होनी है। देखिए गुस्सा जो है एंगर वो, या अपसेट होना, गुस्सा होना, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक तो मेरी जो अपेक्षा है, मतलब उसकी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती, कि अपेक्षा पूरी होती नहीं, या नंबर दो उसका जो मकसद है उसको जो चाहिए वो पूरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे मन जैसा करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, मेरी चाहत है, वो गुस्सा हो जाती है। और तीसरा जो है कि जो बात मुझे करनी है लोगों से वो बात मैं साफ नहीं करता, साफ बात नहीं करता, मन में रखता है, मैं पूरा पूरी तरह आत्म अभिव्यक्ति मेरी करता नहीं, मैं पूरी तरह व्यक्त नहीं होता हूँ, और जो चाहिए लोगों से बोलने के लिए वो मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे मन में रखता हूँ, और वहाँ से फिर गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो आता है इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट एलिमेंट उसमें है जिसकी वजह से उसको गुस्सा है, उसको ठीक करना चाहिए। अंकित वर्मा जी पूछ रहे कि नींद कम आती है उसके बारे में। देखो क्या होता है कि नींद कम आती है, तो नींद जब कम आती है आवाज, नींद जब कम आती है उसके बारे में आपको पूछा, नींद कम आती है तो ऐसा है कि बहुत सारे दिन भर में विचार है, बहुत तनाव है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, सैडनेस है,
स्ट्रेस है, और जब वो सब लेके दिमाग का पूरा स्ट्रेस पूरा नर्वसनेस सैडनेस लेके जब बेड के ऊपर जाते हैं तो नींद आती नहीं। हम जब जो भी कुछ हुआ दिन भर में उसको बेडरूम के बाहर रख के कि जो भी कुछ हुआ वो बाहर है, उसको अंदर नहीं लेके जाना, उसको बेड के ऊपर लेके जाने का नहीं, मतलब कोई भी स्ट्रेस कोई भी तनाव बेड के ऊपर लेके नहीं जाने का है। ऐसा करेंगे तो नींद एकदम शांति से आएंगी, और नींद आने के लिए काफ़ी सारी मैंने वीडियो डाले हुए कि जिसमें मन को कैसे शांत रखना, नींद कैसी शांत आ जाएंगी उसके बारे में अलग अलग मैंने प्रक्रिया दी हुई है, तो आप जरूर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नींद शांत कैसी आ सकती है। दर्वी जी ने पूछा है, अवचेतन मन को जागरूक करने से पहले क्या हमें आदत बदलनी पड़ती है? हाँ, दर्वी जी ने पूछा है कि अवचेतन मन को जागरूक करने के पहले हमको कुछ आदत बदलनी पड़ती है। तो अवचेतन मन को जागरूक करना करने की जरूरत नहीं है, अवचेतन मन जो है या सबकॉन्शियस माइंड वहां तक पहुंचना पड़ता है, वो तो जागरूक ही है। तो चेतन मन वो हमको वहां पहुंचने देता नहीं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को पहुंचने के वहां पहुंचने तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बार 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 अफर्मेशंस पॉजिटिव अफर्मेशन होंगे, पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ेंगे, बार 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 सजेशंस देने पड़ेंगे। और जब हम बार बार सजेशंस देते अफर्मेशन देते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक मतलब अवचेतन मन तक हम पहुंच जाते हैं। लाल जी पूछ रहे हिप्नोसिस क्या होता है? हाँ, लाल जी पूछते हैं कि हिप्नोसिस क्या होता है। अभी देखिए हिप्नोसिस ऐसी बात है कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हिप्नोसिस। मतलब बॉडी को और मन को पूरा रिलैक्स करो, बॉडी को और कॉन्शियस माइंड को पूरा रिलैक्स करो, और जब बॉडी और कॉन्शियस माइंड पूरे रिलैक्स हो जाते हैं तो वो प्रक्रिया जो है बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया माइंड को बॉडी को रिलैक्स करके सबकॉन्शियस माइंड करना जो हिप्नोसिस, और उस ट्रीटमेंट होती है उसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिज्म या हिप्नोथेरेपी। टेक्निकल गैजेट बोलते हैं पैनिक अटैक के बारे में बताइए। हाँ, पैनिक अटैक के बारे में ऐसा सवाल आया हुआ है। पैनिक जो है वो ऐसा अटैक कि सडनली बिना कुछ वजह वो व्यक्ति को एकदम ऐसा अटैक आ जाता है। अटैक मतलब उसका ऐसा आ जाता है कि उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मुझे कुछ तभी हो जाएगा। जैसा दिल में बहुत धड़कने तेज से दौड़ती रहती है, बहुत धड़ हो जाएगा, घबराहट होगी, बेचैनी हो जाएगी, वो इधर से उधर उधर से उधर हो जाएगा, उसको मर जाऊंगा, अभी मुझे और उसका वो ऐसा मतलब घबराता है, इधर से उधर भागेगा दौड़ेगा कुछ तो भी करेगा, और उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, ताकि वो वहां से भागने की भी कोशिश करता है वो सिचुएशन से। अभी ये कुछ मिनट तक चलते रहता है, कुछ मिनट तक मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट चलेगा, 1-2 घंटा भी चल सकता है, और ये अटैक आने के बाद में उसको कुछ सोचता नहीं समझता नहीं, तो उसके बाहर निकल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग घर में बैठे रहते हैं, करके बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कभी भी अटैक आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और फिर घर में बैठे बैठे ही अपना काम कर इनकैपेसिटेट अटैक है। उसका इलाज जो है वो डिसेंसिटाइजेशन विजुअलाइज हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी से या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से उसका इलाज हो जाता है। एडिक्शन का बच्चे अभी उसमें एडिक्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन पे नहीं है तो उसमें एक तो गेम्स खेलो, जैसा अभी पबजी का गेम आया हुआ है वो खेलते रहो, या फिर यूट्यूब के वीडियो देखो, या फिर पॉर्न वीडियोस देखो, पॉर्न वीडियोग्राफी है ना वो देखो, या मतलब ऐसे कोई भी, और नहीं तो फिर गेम्स खेलते रहो है ना स्मार्टफोन के ऊपर। और लोग एवरेज में भी ऐसा पाया गया है कि हमारे फोन के ऊपर खेलते रहते हैं। अभी एडिक्शन जो है उसके लिए अभी पता नहीं आपको तो फिजिकली आपको स्मार्ट करना, स्मार्टफोन एनवायरमेंट डाइवर्ट कर डालो, छोटा ले लो जो सादा सादा है वो, जिसके ऊपर बाकी कुछ ऐप्स नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है या बाकी इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, सादा फोन ले लो, उसके ऊपर सब कॉल डाइवर्ट कर डालो, ये पक्का करो कि अपने को स्मार्टफोन वापरने का ही नहीं है शाम को 7 बजे के बाद में, या मैं 2 ही घंटा टोटल ड्यूरेशन में स्मार्टफोन वापरूंगा। ऐसा मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये एडिक्शन है, मुझे लत लग गई है और मैंने ये स्मार्टफोन वापरने का नहीं है, वो कुछ नहीं बनता। तो फिर अलग 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 तरीके स्मार्टफोन का एडिक्शन दूर करने की,
और वो तरीके अपना है तो स्मार्टफोन का एडिक्शन ठीक होता है। कि उन्हें हंसते में तुम वो हमारी बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम तो ये आयुर्वेदा में बोला हुआ है या अलग अलग ग्रंथ में है, यही जीवन है, कोई मतलब नहीं। वीर्य नाश से कोई मृत्यु आदि नहीं है, ना वीर्य नाश से कोई वीकनेस आती नहीं है, क्रिया आदि नहीं है। दिमाग में जो बिलीफ सिस्टम बैठी हुई है कि नहीं तो मैंने किया तो मुझे कमजोरी आएंगी ही आएंगी, ऐसा जब दिमाग में आता है तो उसको कमजोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। वो बिलीफ सिस्टम है कि नहीं 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 वो तो हस्तम करते उसे कमजोरी आती है, मैंने वीर्य नाश किया कमजोरी आ जाएंगी, कमजोरी आना शुरू हो जाता है, उसको भूख लगती नहीं है, फिर खाना कम खाता है, खाना कम खाया और कमजोरी आती है, फिर कि जो मास्टरबेशन की गिल्ट से अपराधीपन की भावना उनको दिमाग में आते हुए बीमार हो गए। तो ये पूरा साफ निकाल है, सिर्फ उसकी आदत लग के मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास में ऐसे आते हैं कि दिन में 4 से 6 बार वो हस्त करते उसमें पड़े रहते हैं दिन भर में, तो वो है कंपल्सिव बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जैसा बीमारी हो गया हस्त में ठीक करनी पड़ेगी। रमेश ने पूछा कि मेरा 6 साल का है तो रात की कर रहे हैं क्या? दांत खाना है, कहना है ना कि दांत खाता है, दांत खाना मतलब ब्रक्सिज्म बोलते हैं उसको, एक नॉन खाते रहते उसको वो देखना पड़ेगा कि भाई क्या उसके दिमाग में क्या टेंशन है, क्या बच्चे को कोई ऐसा कोई डर बैठा हुआ है क्या, कोई फियर है क्या, वो फिर मतलब गद्दी पर सोने के लिए जाता है क्या, तो देखना पड़ेगा, या फिर उसको एक रिलैक्सेशन की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, कोई रिलैक्सेशन की थोड़ी सी दवा दिया है लो डोज में तो शायद सीरम का ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। चौहान जी ने पूछा है कि मुझे बार बार हार्ट अटैक का विचार आता है। हाँ देखो हार्ट अटैक का विचार एक तो ऑब्सेशन हो सकता है, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस से बार 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 विचार आना, या फिर उसको एंग्जायटी न्यूरोसिस हो सकता है कि वो बार बार विचार आपको डर लगता है कि मैं मतलब उसका एक पैनिक अटैक जैसा आ सकता है आपको, या फिर वो ऑब्सेशन हो सकता है, या फिर उसको आपको एंग्जायटी हो सकती है। अभी इसमें क्या है कि आपने होगा कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, क्या होता है गांव में अपने शहर में कोई अपने रिलेटिव में कोई हार्ट जाता है, कोई हम पेपर में सुन मतलब अखबार में देखते हैं कहीं सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, और फिर अपने को ऐसा लगता है कि मैं भी मर जाऊँ, मरने का डर आ गया, और फिर कुछ भी लोग घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टर के तौर पर फिर कार्डियोग्राम निकालेंगे और इलाज कर दिया, वो एक विचार है। और एक तो उसका ऑब्सेशन यदि होगा तो उसका ऐसी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, यदि एंग्जायटी होंगी तो ऐसी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, यदि वो पैनिक अटैक उसको आता होगा तो वैसी ट्रीटमेंट उसको करनी पड़ेगी। सर जगदीश नगरवाल का सवाल है कि उनके भाई को तक एडमिट भी किया था फिर भी उन्हें वो जो उनकी लत है वो छूटी नहीं, क्या वो तो गांजा की और शराब की लत है और उन्होंने उनको 6 महीने एडमिट किया था तभी भी लत छूटी नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि शराब की गांजा की या ब्राउन शुगर या हीरोइन या चरस होगा या शीश होगा या जो भी कुछ होगा या सिगरेट भी होगा, उसकी लत जब लग जाती है तो अपने ब्रेन पैटर्न तैयार हो जाते हैं, एक नवीन न्यूनतम ब्रेन पैटर्न तैयार हो जाते हैं, नए ब्रेन पैटर्न तैयार हो जाते हैं, और वो नए ब्रेन पैटर्न एक बार तैयार हो गए तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद में उनका इलाज कर लिया, मतलब क्या होता है कि एक बार वो बंद कर दिया तो सडनली बंद कर दिया गांजा और शराब, तो उसका विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल ठीक करना है, और विड्रॉल ठीक करने के बाद में उसको साइकोथेरेपी देना पड़ता है। साइकोथेरेपी देके इंडिविजुअल साइकोथेरेपी या ग्रुप साइकोथेरेपी देके उसका इलाज ऑनगोइंगली चालू रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने रखा ठीक हो गया शराब छोड़ दिया अभी छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं होता है, उसको छोड़ दिया उसका इलाज जारी नहीं रखा फिर से हो सकता है कि वो शराब का फिर से आदी बन जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, तो उसको जिंदगी भर उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। आशीष का कहना है कि पेट दर्द करता है नींद नहीं आती है उसके बारे में बताइए। हाँ पेट दर्द करता है नींद नहीं आती उसके बारे में बताइए, ऐसा सवाल है। देखो पेट दर्द का एक तो हम आपको ये देखना पड़ेगा कि पेट दर्द जो हो रहा है तो पेट की कोई बीमारी है क्या, तो आपने तो जैसा आप पूछ रहे हैं तो आपने सब
एंडोस्कोपीज की होंगी, गैस्ट्रोस्कोपीज या सभी तरह की स्कोपीज या यूएसजी एब्डोमेन किया होंगे, मतलब सोनोग्राफी की होंगी या अलग अलग जांच की होंगी आपने, और वो जांच यदि निगेटिव है उसमें कुछ भी निकल नहीं रहा है और तभी भी पेट दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, लेट्रिन साफ नहीं हो रही है, ढकार आ रही है, ऐसे कुछ अलग अलग लक्षण है, तो समझ जाओ कि आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो सकता है। हो सकता है कि आपको एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो सकता है। उसका इलाज है, उसका इलाज है रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्सेशन सिस्टम जो है पचल जाएगी और उसे दर्द कम हो जाएगा। गुलेंद्र जी ने पूछा है कि सुसाइड करने का विचार बार बार आता है। हाँ, सुसाइड करने का विचार बार बार आता है तो वो देखो कि वो विचार आ रहा, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे, ये आपको डिप्रेशन है और उसकी वजह से सुसाइड के विचार आ रहे। कुछ भी हो जाए, सुसाइड के विचार आ रहे तो आपने जरूर साइकेट्रिस्ट की मदद लेना चाहिए। साइकेट्रिस्ट आपको असेसमेंट करेगा और असेसमेंट करके देख लेगा कि आपको एंटी डिप्रेशन की जरूरत है कि एंटी ऑब्सेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है या और क्या होता है भाई, मतलब कोई बीमारी की जरूरत है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। तो आप जरूर साइकेट्रिस्ट का तुरंत इलाज करो, उनको कांटेक्ट करो आपके सिटी के साइकेट्रिस्ट और इलाज करो। छोटे बच्चों को कैसे पनिशमेंट देनी चाहिए, हैप्पी जी ने पूछा है। हाँ, छोटे बच्चों को कैसे पनिशमेंट देनी चाहिए, एक तो क्या है कि छड़ी लागे छमछम ऐसा बोला जाता है, तो छड़ी छमछम जब मतलब लगती है तो लोगों को विद्या आती है, ऐसी एक कहावत है। अभी मारना तो बच्चों को बिल्कुल गलत ही है, वो बैन हो गया है, बच्चों को मारना मारते ही नहीं है, और मारने के लिए कोई बोलेगा नहीं कि बच्चों को मारो कर। अब बच्चों को पनिशमेंट करने का है तो बच्चों को पनिशमेंट बहुत सिंपल सिंपल पनिशमेंट हो सकती है। यदि माँ बोलती है ना बच्चे को कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तो बच्चों को वो बहुत बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी भी आधा घंटा या 10 मिनट, बच्चों को पनिशमेंट हो जाती है। यदि ऐसा उसको बोला ना कि 5 मिनट तेरे को हम बंद करके रख देंगे, तेरे से कोई बात नहीं, एक कमरे में तेरे को 5 मिनट 10 मिनट रखेंगे, उसको बोलते टाइम आउट, तो फिर वो पनिशमेंट भी काफ़ी हो जाती है। उसको जो उसको चाहता है वो नहीं दिया उसको, वो भी पनिशमेंट हो जाती है। खेलने नहीं भेजा वो पनिशमेंट हो जाती है। तो ऐसे पनिशमेंट आप दे सकते हैं। जो है कि पार्किंसंस के लिए कोई परमानेंट इलाज है क्या? पार्किंसंस ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल ट्रीटेबल है, पूरा क्योर होना मुश्किल लगता है बॉडी में। कुछ होंगे ऐसे पेशेंट्स कि इनमें क्योर हो गया भाई, पूरा 100% क्योर हो गया, ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। एक बार पार्किंसन हो गया तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। सर, कमल भाटी जी का सवाल है कि वो सवेरे जब उठते हैं तो उन्हें 7 से 8 घंटे वो स्लीप भी लेते हैं रात को, फिर भी उन्हें सुबह रिफ्रेशमेंट में नहीं मिलती। सुबह उठने के बाद में रिफ्रेश नहीं होते, फ्रेश नहीं होते। क्या होता है कि नींद के दो पार्ट है, एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इंटरनेट चलते रहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट मतलब जिसमें सपने आते रहते हैं और रैपिडली आंखें घूमती रहती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ना। तो ऐसे दो अलग अलग भाग है। आपको नींद जो है वो शांति की नींद नहीं हो रही है, जैसी नींद होगी वैसी नहीं हो रही है, इसलिए आपको फ्रेश नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपको नींद ज्यादा होना, ऐसा हो सकता है क्योंकि ज्यादा चाहिए। जैसा कुछ लोगों को 6 घंटे नींद होने से अच्छा हो जाता है, कुछ लोगों को 8 घंटे नींद लग कम से कम, और 8 भी कोई बुरी नहीं है, मतलब बुरा नहीं है कुछ, 8 घंटे भी सोना पड़ता है उसके बाद में फ्रेश लगता है। क्या संभव है और गहरी नींद आने के लिए मेरे जो वीडियोज है टिप्स, तो नींद वो जरूर आप वीडियो देखें। जीवन जी ने पूछा है एंगर कम करने के लिए कोई दवाई। एंगर कम करने के लिए दवाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो टेम्पररी दवाई है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो टेम्पररी आप क्लोनेजेपाम ले सकते हो, कार्बामेथिन बहुत लो डोज में एकदम वो दे सकते हैं, ट्राइफ्लू लेना पड़ेगा क्योंकि गुस्सा आता क्यों है। और जैसा मैंने पहले बोला तो गुस्सा आपके सोर्स पे काम कर रहा है। हस्तमय उसके लिए कोई नहीं, अभी एक बार बार सवाल आ रहा है हस्तमैथुन का, हस्तमैथुन नहीं छुप रहा है, हस्तमैथुन करना कोई गलत नहीं है, सिर्फ वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आप टाइम उसमें दे रहे हैं, आपको उसमें तकलीफ हो रही है, तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है, अदरवाइज हस्तमैथुन करना एकदम नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, नूर मलानी का सवाल है कि हस्तमय होता क्या है। सम्मोहन की अवस्था में होता क्या है, ऐसा सवाल है। सम्मोहन की अवस्था ऐसी होती है कि एक प्रक्रिया से आपको जाना पड़ता है जिसमें बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवेयर हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड सरफेस पे आता है, और सब
आप जो भी बातें अभी उसको बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करेंगे, सजेशन देंगे, वो पूरा वो ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है। तो संबंध में ऐसा होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से जो बात करते हैं वो बात उसको पूरी तरह सही लगती है और सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही बिहेव करता रहता है। हिप्नोसिस से ओसीडी अच्छी होती है क्या? हो सकती है, हिप्नोसिस से ओसीडी अच्छी हो सकती है। बार 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 सजेशन देके वो जो ऑब्सेसिव थॉट्स है और कंपल्सिव जो एक्ट्स है वो ठीक हो सकते हैं, और मैं वो करते रहता हूँ, और उसके साथ साथ दवा भी देते हैं, दवा से भी काफ़ी जल्दी आराम पड़ सकता है। सर केश खत्री जी का सवाल है कि वो डिप्रेशन, 20 साल से उन्हें डिप्रेशन है और उन्हें दवाई छोड़नी है, तो इट्स पॉसिबल? हाँ, 20 साल से डिप्रेशन है और दवाई छोड़नी है, बिल्कुल संभव है। ऐसा है कि आप एकाएक दवाई छोड़ देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। यदि आपको दवाई लेने से आपका डिप्रेशन ठीक रहता है, मतलब डिप्रेशन नहीं है, तो दवाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको दवाई छोड़नी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि धीरे 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 दवाई रिड्यूस करनी पड़ेगी। मतलब 10% दवाई का जो डोज है वो हर हफ्ते में आप 10% 10% आप कम कर दें, 10% कम कर दें दवाई का डोज। ऐसा धीरे 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 आप कम करेंगे तो फिर दवाई का कोई मतलब, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे दवाई और आप बंद कर सकते हो। सिंह जी पूछ रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं छूट रही है, क्या करें? स्मोकिंग नहीं छूट रही है तो क्या करें? इसके लिए है कि जैसा स्मोकिंग एक ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है, तो उसके लिए हम एंटी ऑब्सेसिव दवाई देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्मोकिंग मतलब निकोटीन छोड़ने के लिए जो दवाई बाजार में आती है, मार्केट में उपलब्ध है, वो देते हैं। और 3, उसको बिहेवियर थेरेपी देते हैं उसको। 4, उसको हिप्नोथेरेपी देके उसको स्मोकिंग छुड़वा दे। तो जिसकी इच्छा है स्मोकिंग छुड़वाने की, उसकी स्मोकिंग छूट सकती है, उसकी इच्छा है। मंगेश जी का कहना है नींद नहीं आती, पीठ में दर्द होता है, पेट नहीं लगता, इसके बारे में? तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन लगता है, मतलब अच्छा लगता नहीं है, भूख लगती नहीं है, तो आपको डिप्रेशन है। और देखना पड़ेगा डिप्रेशन क्यों है। हो सकता है कभी कभी थायराइड ग्लैंड कि सिक्रेशन कम होने से या ज्यादा होने से मूड्स में फर्क हो जाता है, तो देखना उसके थेरेपी करके आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। जगदीश नागरीवाल जी का सवाल है कि वो नीम की, उनका भाई नीम की गोलियां भी ले रहा है फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। हाँ, तो नींद की गोलियां लेने के बाद में भी नींद आती नहीं है, इसका मतलब ऐसा है कि आपके भाई को एडिक्शन हो चुका है, लत लग गई। लत लगने के बाद में होता क्या है कि उसको दवाई बढ़ानी पड़ती है, हर तीसरे हफ्ते में थोड़ी सी दवाई बढ़ानी पड़ेगी उतनी नींद आने के लिए, तो उसको लत लग गई है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि भाई नेचुरल नींद आने के लिए जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। उसके लिए नींद का जो वीडियो है, अच्छी नींद आने के लिए टिप्स जो है, वो दवाई धीरे 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 कम करो। सभी दोस्तों, आप काफ़ी सारे सवाल आपके हैं, काफ़ी सारे सवाल आ भी रहे हैं अभी आखिरी में, और हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। तो आखिर के 2 सवाल हम लेंगे अभी। मुलानी जी का कहना है कि डिप्रेशन की दवाई कितनी दिन लेनी चाहिए? डिप्रेशन की दवाई कितनी दिन देंगे, ये सवाल है। डिप्रेशन की दवाई यूजुअली 6 से 9 महीने देते हैं हम, 6 to 9 months, और फिर धीरे 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 बाद में कम करते हैं, क्योंकि उसके पहले यदि दवाई कम कर दिया तो हो सकता है कि डिप्रेशन रिलैक्स आ जाए। 9 महीने दवाई लेनी चाहिए। सर खान जी का सवाल है कि सॉरी सर दीप जी का सवाल है कि फोबिया क्या है और फोबिया कितने प्रकार के होते हैं? फोबिया मतलब बहुत ज्यादा डर, कोई भी चीज का बहुत ज्यादा डर, फोबिया। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कोई चीज का डर रहता है, मगर ये लोगों को बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा, इतना डर कि वो सिचुएशन में वो खड़े रह सकते नहीं है, वो सिचुएशन में रह नहीं सकते। तो कुछ लोगों को ओपन स्पेस का डर लगता है, मतलब खुले जगह का डर लगता है। कुछ लोगों को बंद जगह का डर लगता है कि वो बंद जगह में रह नहीं सकते। कुछ लोगों को रास्ता पार करने का फोबिया रहता है। कुछ लोगों को अकेला रहने का डर रहता है, अकेले नहीं सकते। कुछ लोगों को ट्रेन में सफर करने का या बस में सफर करने का, कुछ लोगों को हाइट का डर रहता है, कुछ लोगों को डार्क का डर है, कुछ लोगों को चिपकली का डर रहता है। ऐसे अलग 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 फोबियाज है, जिनको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है और वो एक फोबिया बीमारी है, फोबिक न्यूरोसिस। और बचपन में कुछ तो भी हुआ, डर बैठ गया,
और वहां से वोमिंग नर्सिंग शुरू हो गया, ऐसा होता है, उसका इलाज होता है, और इलाज करके दवाई है और बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी, उससे इलाज हो सकता है। तो काफी सारे सवाल हमारे हुए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। सबके मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, व्यसन जो लत लोगों की शराब की या बाकी कोई भी चीज की तो वो ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये चैनल हम चलाते हैं। तो जरूर हमें मतलब जो वीडियो है इसको लोगों को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमारा जो पता है वो पता अकोला में, महाराष्ट्र में रहते आप नागपुर आके अकोला में आ सकते हैं या बॉम्बे आके अकोला में आ सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारे यहाँ या पूरे इंडिया से हमारे लोग आते रहते हैं। लोगों का एजुकेशन करना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उनका मोटिवेशन मोटिवेशन करना उनके रोज के जीवन के, इसमें तो जरूर उसमें लोगों को फायदा होगा। तो वीडियो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हमारे ये जो मिशन है इसमें आप पार्टनर बन जाओ। मेरा मोबाइल नंबर जो नीचे दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। 9822570101 ये नंबर, मैं फिर से बोलता हूँ, 9822570101 9822570101, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करो। हमारा पता जो है वो केलकर हॉस्पिटल, रामदास पेट, अकोला, महाराष्ट्र। इसके अलावा हमारा पुणे में भी हॉस्पिटल है, थाना में क्लिनिक है, नागपुर में हॉस्पिटल है। ये हमारे दो हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं और लोगों का इलाज करते रहते हैं। हमको लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन जो यहाँ नहीं आ सकते वो ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके उनके प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है, मैंने अभी जो नंबर बोला उसके ऊपर आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, नंबर लो और यहाँ हमारे चैनल पे आप आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.